हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एविएशन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा और हम लोग आरआरबी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आरआरबी के पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि इस पैटर्न का आपको सवाल, मतलब इस लेवल का सवाल आपको मिल सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किए हुए हैं, मतलब हर एक वीडियो में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी मैंने एक डीआई का एक डिस्कशन किया था, तो इस बार भी हम लोग एक डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या डीआई किस तरीके का है और कैसा हमें करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। और डीआई जो भी आपके पास दिखेगा, हम लोग पहले डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या दिया गया है, कैसा है, वो समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका डायरेक्शन है। पिछला जो सवाल था वो 1 to 5 था, ये सवाल नंबर वैसा ही दिया गया है, दैट इज 6 to 10। तो उस नंबर पर याद है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन के बाद इसके ऊपर ये डायग्राम है, एक ये बार ग्राफ है, उसके साथ एक टेबल भी है, यानी कि दो चीज़ें हैं, तो करेंगे उसको भी। तो यहाँ पे अब जब हम ये देख रहे हैं तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको केयरफुली रीड करो। अब ये बातें बताने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्शन पढ़ते हैं। तो कहता है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री ऑन 5 डिफरेंट डेज, नेमली मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या दिया है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स, फैब्रिक ग्लोब्स के बारे में ये बता रहा है, दस्ताने है ना, टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स कितने सारे हैं ये बताया गया है हमारे यहाँ पे कि टोटल फैब्रिक ग्लोब्स कितने हैं, तो 1500 है, और 1500 में ऐसे परसेंटेज वाइज मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर परसेंटेज भी देख लिया जाए तो दिस इज लाइक 24%। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि 24%, फाइन, ज़्यादा ही हो गया। देन दिस इज लाइक 25 + 2 = 27%, एंड दिस इज लाइक 15%, एंड दिस इज 18%, एंड दिस इज 16%, फाइन। तो इस तरीके से परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन कौन सा दिन कितना फैब्रिक ग्लोब्स बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये हमें डाटा पता चल गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है यहाँ पर डायरेक्शन में, अगर देखें तो डायरेक्शन में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड, टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बारे में कह रहा है, दैट इज नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस नंबर ऑफ लेदर ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस नंबर ऑफ क्रायोजेनिक ग्लोब्स, मतलब एक फैब्रिक ग्लोब्स है, फैब्रिक ग्लोब्स प्लस लेदर ग्लोब्स है, ठीक है, और प्लस क्रायोजेनिक ग्लोब्स हैं। ये तीन टाइप के ग्लोब्स, टोटल ग्लोब्स हैं। तो हमें सिर्फ अभी इस बार ग्राफ में हमें सिर्फ फैब्रिक ग्लोब्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टेबल दिया गया है। टेबल में क्या बात करी गई है, हमने ये बार ग्राफ के बारे में समझ लिया कि बार ग्राफ में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स के बारे में बताया गया है, तो फैब्रिक ग्लोब्स परसेंटेज वाइज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और फिर उसके बाद टेबल एक दिया गया है, तो कह रहा है कि द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्लोब्स मैन्युफैक्चर, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी लिखा था कि टोटल क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लोब्स है, उसमें फैब्रिक की कैटेगरी है, उसमें लेदर की कैटेगरी है, उसमें क्रायोजेनिक की कैटेगरी है, तो तीन कैटेगरी की उसमें ग्लोब्स हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द टेबल शोज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्लोब्स मैन्युफैक्चर टू द नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, यानी कि ये जो 5 दिनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे 5 दिनों में कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्लोब्स, टोटल इज टू फैब्रिक बता रहा है, ठीक है, टोटल इज टू फैब्रिक ये बता रहा है। उसके बाद क्या, एंड ऑल्सो गिवेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेदर ग्लोब्स एंड क्रायोजेनिक, यहाँ पे लेदर ग्लोब्स एंड क्रायोजेनिक ग्लोब्स जो है हमारे पास क्रायोजेनिक लेदर एंड क्रायोजेनिक ऐसा करके लिख ले कि लेदर और क्रायोजेनिक की रेशियो ये वाली गिवन है और ये टोटल और फैब्रिक की गिवन है, ठीक है। तो ठीक है भाई, जो गिवन है ठीक है, उसके बाद हम इसको डिकोड करना शुरू करते हैं। मतलब हमें पता चल गया कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दी गई है, बार ग्राफ में क्या दिया गया है हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि टेबल में क्या क्या दिया गया है। तो टेबल में दिया गया है टोटल इज टू, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, इसकी ज़रूरत, डायरेक्शन तो हमने पढ़ ही लिया ना, टेबल की ज़रूरत है, तो टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये टेबल अब क्लियर हो जाएगी, फाइन। हाँ, तो हम इन दोनों को यूज़ करके डिकोड करना शुरू करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे गेरा है 24%, किसका निकालना है, तो 1500 का, ठीक है। तो 1500 का हम 24% निकालेंगे, सबका परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं 1500 ऑफ 24% ऑफ 1500, तो परसेंटेज आएगा तो 20 चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा कितना, 24 इंटू 15 कितना होगा, 240 और 120, 360, ये हो गया 360 ग्लोब्स मंडे को बन रहा है, दैट इज फैब्रिक ग्लोब्स, ठीक है। ट्यूजडे की बात करते हैं 27%, तो इसी में 3% ऐड करते जाएगा, इसी में 3% ऐड कर देते हैं, मतलब कितना, तो 1% की बात करें तो 15, यानी कि 45 इसमें ऐड कर दे तो 405 हो जाएगा ये। अब ऐसे देखेंगे तो आप 27 इंटू 15 करनी पड़ेगी आपको, 270 और 135, यानी कि 270 10 टाइम्स हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा 135, तो कितना हो जाएगा 405। देन 15% वेडनेसडे का 15% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो मैं कहता हूँ 10% की वैल्यू हो जाएगी 150 और उसका 75, यानी कि 225, राइट। देन 18% इसमें 45 ऐड कर दीजिए, 3% की वैल्यू ऐड कर दीजिए 45, तो 45 कितना ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 + 40 = 270। उसके बाद 16% दैट इज लाइक हाउ मच, 15% का 225 और 1% 15 ऐड कर दीजिए तो 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें फैब्रिक ग्लोब्स के बारे में पता चल गया, तो आप यार टेबल पे जब आता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि टोटल इज टू फैब्रिक पता है, टोटल इज टू फैब्रिक, तो टोटल भी पता कर सकते हैं हम, तो इसको करते हैं, डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड कलर से जैसे 13:4 लिखा गया है, तो 4 की वैल्यू लिख देता हूँ कि कितना है, जैसे कि मंडे को कितना था वैल्यू, मंडे की वैल्यू थी 360, देन 405, 225, इस तरीके से सारी वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये हो गया 360, 3 की वैल्यू है 405, फिर 5 की वैल्यू, यानी कि वेडनेसडे की वैल्यू कितनी है, तो वेडनेसडे की वैल्यू क्वेश्चन पे आ गया मैं, तो वेडनेसडे की वैल्यू कितनी है, वेडनेसडे की वैल्यू है 225, 225, 270, 240, 270 एंड द लास्ट वन वॉज 240, 240। तो इस तरीके से मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई 240, ये सारे वैल्यूज पता चल गए, जो रेशियो गिवन है ना, जैसे 13:4 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू पता है, तो 13 पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 13 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है 4 की वैल्यू कितना है 360, 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 9 टाइम्स, तो 13 का 9 टाइम्स कितना होगा, तो 13 का 9 टाइम्स होगा 1170, ठीक है। 3 की वैल्यू है 405, तो 3 से अगर डिवाइड किया जाए 405 को, तो कितना आएगा 135 है, 405 डिवाइडेड बाई 3 जब करते हैं आप, तो 135 आएगा। तो उसको कितनी बार करना है, उसकी करना है 11 टाइम्स, मतलब 1350 में 135 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1485, 11 की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से हम सारे वैल्यूज, मतलब ये जो वैल्यू पता चल रहा है, ये वैल्यू क्या पता चल रहा है, ये टोटल ग्लोब्स कितना मैन्युफैक्चर हुआ था मंडे को ट्यूजडे को, ऐसे टोटल मैन्युफैक्चर है। और ये क्या था, तो ये था फैब्रिक ग्लोब्स कितने कितने सारे हैं, तो ये वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। हमने सही किया हुआ है, 135 आया था एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 135 आई थी, है ना, और हमें 11 की वैल्यू चाहिए, तो 11 टाइम्स कर दो, तो 5, 3+8 and 4 and 14, 85 वैल्यू पता चल गई थी, तो सही हमें वैल्यू पता चल रही थी। उसी तरीके से वेडनेसडे की बात करी जाए तो 5 यूनिट का वैल्यू है 225। अब 225 डिवाइडेड बाई 5 जब करते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू पता चलेगी, और हमें बताना है 21 यूनिट की वैल्यू, तो 21 से यहीं पे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 5 से जब इसको कैंसिल करते हैं तो 45 आता है, और 45 को 21 टाइम्स करता है, तो 40 को 20 टाइम्स करेंगे तो 945 इसका वैल्यू हो जाएगा 21 यूनिट का। देन 1 यूनिट इज 270, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा इसका, 5 टाइम्स 2700 का आधा करेंगे तो 1350, 5 टाइम्स 10 टाइम्स करेंगे तो 2700, उसका आधा किया 1350, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 19:4, 19:4 ही तो है, ओके 19:4, तो टोटल 4 की वैल्यू है इतना, तो 60, 4 की वैल्यू कितनी है 60, मैं इसको मिटा के चेक करूँ क्या, दिस इज 4 राइट, 4 है ये, 4 ही है, ओके तो 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो 60 आएगा, 60 आएगा, तो 19:60 करना है, तो मैं कहता हूँ 20:6 करते हो 120, तो 1140, 19:6 टाइम्स इज 14, 114, राइट। तो इस तरीके से ये फैब्रिक का और ये टोटल पता चल गया, समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेदर ग्लोब्स टू द कायरोजेनिक ग्लोब्स, लेदर ग्लोब्स कौन सा है, कायरोजेनिक कौन सा है, तो ये देखना है। तो हम कहते हैं कि भाई लेदर 1170 में अगर 360 माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो लेदर बचेगा और कायरोजेनिक बचेगा, तो इसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो हम करते हैं, तो हम कहते हैं 1170 में 360 माइनस कर दे, तो पहले तो इसमें से 160 माइनस करेंगे तो 1010 बच गया, ये 200 बच गया, 1010 में 200 जाएगा तो 810 बचेगा, तो 810 टोटल बच रहा है, और ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल 9 हो रहा है, ठीक है, तो 9 हो रहा है, तो 9 से जब डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 90 आ रही है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 90 आ रही है तो भाई 90 आ रही है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 4 टाइम्स इज 360 और 9 5 टाइम्स कितनी आएगी, तो 9 का 5 टाइम्स जब करेंगे तो 450, यानी कि इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब इस तरीके से सारे नंबर ऑफ ग्लोब्स पता चल जा रहे हैं मुझे, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 405 फैब्रिक है और टोटल है 1485, तो 405 इसमें से माइनस करते हो तो 1080 बचता है, ये कितना बचा, तो 1080 बच गया, 1080, और इस टोटल कितना होता है, तो ये होता है 12, 7+5, 7:5 है, तो 7+5 होता है 12, 12 से जब डिवाइड करते हैं तो भी 90 आता है, 12 के 9 टाइम्स में 108 आता है, 90 आएगा, तो 95 टाइम्स विल बी 450, ठीक है, और फिर 97 टाइम्स विल बी 630, और दोनों को जोड़ोगे तो 1080 हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ लेदर ग्लोब्स और कायरोजेनिक ग्लोब्स पता चल रहा है, राइट। उसी तरीके से आगे अगर देखें तो कहते हैं 945 टोटल है, उसमें से 225 अगर फैब्रिक है तो 225 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 920 और 720 यानी कि 720। देखो कैलकुलेशन हम देख देख के कर रहे हैं ना, लिखना नहीं है बार बार कि भाई 945 में से 225 काटना है, ये करना है, अबे डायरेक्ट करना है, 25 माइनस करोगे कितना बचेगा, 20 बचेगी, और 200 माइनस करेंगे तो 720 बचेगी, तो 720 हो गई लेदर की ग्लोब्स एंड कायरोजेनिक, तो टोटल कितना है ये 11 और 7 18, 18 से डिवाइड करोगे अगर तो 40 आता है, तो 47 टाइम्स 47 जो 280, और 40 का 11 टाइम्स किया जाए तो 440,
यानी कि लेदर हो गया 440, ये हो गया इतना, तो दोनों को मिला दे तो 4 + 2 = 680 + 40 = 120, तो इस तरीके से ये हो गया। उसी तरीके से अब थर्सडे की बात करते हैं, तो थर्सडे में जब देखा जा रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि टोटल जो है 1350 है, उसमें से 270 फैब्रिक हो गई, माइनस कर दीजिए तो 30 और 50, 1080 रह गया, 1080 रह गया। अब इसको 3 है तो 3 को डिवाइड अगर करा जाए तो भाई रेड कलर यानी कि ये कौन सी कायरोजेनिक 3 से जब डिवाइड करते हैं तो दिस इज़ लाइक 360, तो एक यूनिट की वैल्यू 360 हो गई, और 360 का जब डबल करते हैं हम तो कितना होगा 720, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1140, 1140 माइनस 240 कर देते हैं तो कितना होगा 900, तो मेरे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 900 जहाँ पे लेदर और कायरोजेनिक है, और 7 + 8 टोटल को ऐड करते हैं तो होता है 15, और 15 से जब डिवाइड करते हैं तो होता है 60 × 7 टाइम्स हो जाएगा 420, 6-7 टाइम्स, और 60 × 8 टाइम्स करते हैं तो हो जाता है 480, टोटल हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हमने डाटा को डिकोड कर दिया भाई, हो गया क्लियर ये। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को डील करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को डील करेंगे। हमने क्या किया, एक बार में डाटा को डिकोड कर दिया। अब ये मैं सीख रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिस, अभी क्या है कि लर्निंग प्रोसेस है, तो लर्निंग प्रोसेस में मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या करूँगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग करूँगा फटाफट, मतलब अभी तो लर्निंग प्रोसेस है ना, तो लर्निंग प्रोसेस में हम ये कर रहे हैं। एग्जाम में हम क्या करेंगे, जब एग्जाम जब होगी लाइक ये लाइक व्हाट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द फैब्रिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, सैटरडे तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन सैटरडे के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स ऑन सैटरडे 20% मोर देन दैट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के अकॉर्डिंग 20% ज्यादा है, तो सैटरडे की टेबल बनाएंगे हम, सैटरडे की बात कर रहा है वो, सैटरडे सैटरडे राइट, तो सैटरडे में कौन कौन सी कैटेगरी की बात करेगा वो, तो वो करेगा फैब्रिक की बात, फिर वो किसकी बात करेगा, वो बात करेगा आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है फिर से। ओके, फैब्रिक ग्लोब इज 20% मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे एंड द नंबर ऑफ लेदर ग्लोब, यानी कि लेदर की बात करेगा, और लेदर की बात करने के बाद फिर किसकी बात करेगा, कायरोजेनिक, कायरोजेनिक ग्लोब्स, ग्लव ग्लव CYRO राइट, कहा गया CRY कायरोजेनिक JENIC, तो तीन कैटेगरी की बात करेगा, तो सैटरडे की बात करता है, पहले फैब्रिक में बोल रहा है कि 20% मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे को कितना था भाई फैब्रिक, कितना था फ्राइडे को, तो 240 का 20% ज्यादा है, तो 240 का 20% ज्यादा है तो 20% उसको बढ़ा दे, कितना होगा 48 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 288 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो, 240 था ना, और 240 का 20% निकालना है तो 10% 24 हो गया, 20% हो गया 48, तो 48 इसी में ऐड कर दिया मैंने, तो 48 ऐड कर दिया तो इतना हो गया। उसके बाद कहता है लेदर ग्लोब्स एंड द नंबर ऑफ लेदर ग्लोब्स की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चर ऑन सैटरडे इज 25% लेस देन द वेडनेसडे, वेडनेसडे का 25% उससे कम है, वेडनेसडे को कितना है लेदर का, लेदर का वेडनेसडे में है 440 है, 440 ये वाली बात, तो 440 में से 25% कम करना है, यानी कि 1/4 कम करना है, 440 में 1/4 कितना होगा, तो 110 कम करना है, तो ये हो जाएगा 330, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कायरोजेनिक के बारे में बात करता है कि नंबर ऑफ एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कायरोजेनिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर ऑन वेडनेसडे टू सैटरडे इज 7:11, वेडनेसडे और सैटरडे का रेशियो बता रहा है कायरोजेनिक की, तो वेडनेसडे की कायरोजेनिक कितनी हो रही है 280, तो 280 है, और मेरे को वेडनेसडे टू सैटरडे 7:11 कह रहा है, 7:11, तो 7 का मतलब ये है, 7 का मतलब क्या है
280, तो 11 का मतलब कितना होगा, तो 7 से डिवाइड करता हूँ, 4 टाइम्स आता है, तो 4 को अगर करूँ तो 440 आता है। इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 40 आता ना, 40 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 440 हो गई। तो मुझे क्या पूछ रहा है उसके बाद, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्लव्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितने सारे ग्लव्स मैन्युफैक्चर हुए थे ये बताइए। तो इसको ऐड कर दीजिए, फटाफट ऐड कर दीजिए। कह रहा है कि दिस इज 3 770 770, उसमें से 200 और ऐड कर दे तो 970, तो 970 में 80 ऐड कर दे तो 1050, 1050 में और 8 ऐड कर दे तो 1058, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से हम तीनों को ऐड कर दिए। तो ये पहला सवाल था, ठीक है, सैटरडे को कितना 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 होना है, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आरआरबी पीओ के बारे में जब आप देखोगे तो पीओ के लेवल का सवाल है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब इस लेवल को समझ जाओगे तो इससे इजी वाला लेवल आप कर पाओगे। मैं आता हूँ नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेडनेसडे, फैब्रिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर ऑन वेडनेसडे टू द नंबर ऑफ कैरोजेनिक ग्लोब्स मैन्युफैक्चर ऑन थर्सडे, फैब्रिक ऑन वेडनेसडे, फैब्रिक ऑन वेडनेसडे इज 225 एंड कैरोजेनिक ऑन थर्सडे इज 360 आपको पूछा गया है, राइट, 225 and 360। तो 15 से काटते हैं तो दिस इज 15 टाइम्स, 15 का स्क्वायर है और 15 से काटते हैं तो दिस इज 2 and 4 24 टाइम्स, दिस इज 5:8 आंसर हो जाएगा, 5:8 हमारा ऑप्शन ए में है। तो डाटा को एक बार पढ़ो, उठाओ और सॉल्व करो, एक बार में क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है, मतलब प्रैक्टिस ऐसे करनी है ना, ताकि क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिया कि वेडनेसडे का क्या चाहिए था तो फैब्रिक ग्लोब चाहिए थी, और फिर थर्सडे का क्या चाहिए, थर्सडे का कैरोजेनिक ग्लोब चाहिए थी, एक बार पढ़ लिया, डाटा उठाओ सॉल्व करो, इतना फास्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर इसमें आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 50% एंड 48% ऑफ फैब्रिक ग्लोव्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे आर एक्सपोर्टेड, अगर 50% और 48% ऑन मंडे फैब्रिक ग्लोव्स की बात कर रहा है, मंडे एंड वेडनेसडे को अगर एक्सपोर्ट कर दिया गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लोव्स एक्सपेक्टेड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, में डिफरेंस जो एक्सपोर्ट किया गया उसका डिफरेंस बताइए। तो मैं कहता हूँ मंडे एंड वेडनेसडे का फैब्रिक कितना सारा है, मंडे एंड वेडनेसडे का फैब्रिक है दैट इज 360 and 225। मंडे को कितना किया था मैंने प्रोडक्शन 360 और वेडनेसडे को कितना किया तो 225, इसमें से 50% और 48% एक्सपोर्ट हो गया, राइट। हाँ, तो हमें पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, तो 50% इसका कितना हो जाएगा 180, इसका 50% अगर एक्सपोर्ट किया है मैंने 50%, तो इसका 50% कितना होगा 180, राइट, 180 का डबल होता है। और फिर कहता है 48% ऑन वेडनेसडे, तो इसका 48% निकालना है, तो 48/100 अगर कर देता हूँ मैं तो 25 के टेबल में यह हो गया, 9 बार में 25 के टेबल में 4 एंड 12 9 टाइम्स इज 108, माइनस कर दीजिए तो 72 डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 72। दिस वॉज द क्वेश्चन, मतलब सोचो कि आप जो डाटा कैलकुलेट कर लिए हो ना, जब एक बार निकाल चुके हो तो फिर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्लोव्स मैन्युफैक्चर ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कैरोजेनिक ग्लोव्स मैन्युफैक्चर ऑन ट्यूजडे, कैरोजेनिक ऑन ट्यूजडे, टोटल ऑन थर्सडे, थर्सडे का टोटल है 1350, कैरोजेनिक ऑन ट्यूजडे है 450, तो 1350 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450, व्हाट परसेंट मोर, और कह रहा है ना, तो कह रहा है कि 1350 टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑन थर्सडे, थर्सडे का मैन्युफैक्चरिंग टोटल था 1350, ठीक है। और फिर कह रहा है कि कैरोजेनिक ग्लोव्स ऑन ट्यूजडे, कैरोजेनिक ग्लोव्स ऑन ट्यूजडे इज 450, कैरोजेनिक 450 है ट्यूजडे का, तो दिस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आया 900 और कंपेयर करना है इससे तो 200% है ना यार, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, तो 200% मोर,
दिस इज 200% मोर, डायरेक्टली आपने आंसर को निकाल दिया। जब देखो, जब आप कैलकुलेट कर लिया ना सारा वैल्यू, तो निकालना बड़ा आसान हो जाता है, और ये करना पड़ता है हमें, क्योंकि एग्जाम में हमें फास्ट करना है, एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी करना है, तो ये करना पड़ेगा। ओके, आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लूब्स मैन्युफैक्चर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर एंड द नंबर ऑफ कैरोजेनिक ग्लूब्स मैन्युफैक्चर ऑन मंडे, कैरोजेनिक ऑन मंडे और फैब्रिक ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो गया 225 और 270 फैब्रिक का, तो 495 हमें क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस। तो एक था 225 और एक था 270, तो कितना हो गया 495 डिफरेंस बिटवीन द कैरोजेनिक ऑन मंडे। कैरोजेनिक ऑन मंडे कितना है, तो कैरोजेनिक ऑन मंडे है 360, है ना, दिस वाज लेदर, दिस इज कैरोजेनिक, तो 360, तो 360 से डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो कितना होगा भाई, 40 और ये 40 और 95, तो 135। आंसर इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने ये डीआई को सॉल्व कर दिया। ये जो डीआई था हमने टेबल को डिकोड किया फटाफट, टेबल की वैल्यू को यहाँ पे रखा और इसमें से सबस्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज थी। क्वेश्चन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था इसमें, लेकिन सिंपल सिंपल सा सवाल पूछा गया था यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये डीआई समझ आई होगी, राइट। बड़ा ही मतलब डाटा ज़्यादा निकालना पड़ा स्टार्टिंग में, बट ये समझने वाली बात है कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है और रीडिंग की स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भाई ये पढ़ेंगे ना ये डायरेक्शन, तो आपको क्लियर होना चाहिए एक बार में कि क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ टेबल में जो बातें कर रहा था वो क्या बातें कर रहा था, तो ये समझना है एक बार बस। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग तरीके का सवाल लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।